Hello friends, welcome to my channel. In this video, I'm going to explain how you can apply for the 189-190 visa for the Australia. तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 189 और 190 वीजा को अप्लाई कैसे कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए. उसके लिए ये पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रख के आप अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ऑक्यूपेशन जो है स्किल्ड ऑक्यूपेशन होना चाहिए. योर ऑक्यूपेशन शुड बी इन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. सो आई विल गिव द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन फाइंड इफ योर ऑक्यूपेशन इज इन द लिस्ट. नाउ देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द ऑक्यूपेशंस, वन इज short term and another is medium to long term. So your occupation has to be in the medium to long term list, and then only you will be able to apply for this 189 and 190 visa. These are the PR visa. What it means is that you can live in Australia permanently. The next is you have to do the skill assessment. Now you have got the occupation over there, right? And then your skill assessment has to be done. So her occupation ke liye different bodies hai, jaise ki अगर आपका ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड में है तो ACS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, वो आपकी स्किल असेस करती है. और उसके बाद अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल है तो उसके लिए अलग बॉडी है, या फिर आप जनरल फिटर है मैकेनिकल फील्ड में है तो उसके लिए अलग बॉडी. तो वो लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि यस आपको इतना एक्सपीरियंस है और अपना जो डिग्री लिया है या फिर अपना जो एजुकेशन आपने जो एजुकेशन लिया है वो परफेक्टली उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है. तो स्किल असेसमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद 60 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए. एक पॉइंट टेबल है उनका, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया एक पॉइंट टेबल, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी क्लिक कर सकते हो. जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो पॉइंट टेबल जो रहता है वो कैलकुलेट कर दे कि हर बंदे को या एप्लीकेंट को वो पॉइंट्स दे दें, जैसे कि आपका एज कितना है या फिर आपने डिग्री लिया है या फिर एजुकेशन कहाँ पे किया है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में. तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने हर कैटेगरी के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स दिए. जैसे उस तरह से 60 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आपका जो एज है मिनिमम मतलब 45 से नीचे ही होना चाहिए. अगर 45 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. उसके बाद इंग्लिश जो है आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, जो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स है, आईलेट्स है, टोफल है, बहुत सारे एग्जाम्स के स्कोर्स वो एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन आईलेट्स मैंने दिया था तो आईलेट्स के बारे में मुझे पता है. आईलेट्स में मिनिमम आपको 6 चाहिए हर एक टेस्ट में, जैसे कि उसमें 4 सेक्शंस रहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग. उस हर इसमें 6 पॉइंट्स आपको होने चाहिए आईलेट्स के एग्जाम में, 6 बैंड बोल सकते हैं, हर इसमें होना चाहिए, एवरेज नहीं है. तो उसको बोलते हैं कंप्लीटेड इंग्लिश. अगर आपका कंप्लीटेड इंग्लिश है तभी आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैनॉट. उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है और हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए. कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं पीआर वीजा के लिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं जब आप एप्लीकेशन करेंगे. उसके बाद स्किल सिलेक्ट एक प्रोग्राम है उन लोगों का, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का. तो आपका जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले ये सब होने के बाद आपका मिनिमम स्कोर 60 होने के बाद आप स्किल सिलेक्ट की एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो यू कैन गो देयर एंड देन अप्लाई थ्रू द स्किल सिलेक्ट, अटैच ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन once you get all that like invitation through the skill select, then only your application process starts. So skill select is first step, and then after if you get the invitation in the skill select, you will be like eligible to apply for the PR visa. So there are two steps. First is get the invitation through this skill select. Once that step is done, next step is step number two is apply to this visa on the website. So I have given the links, all the important links down in the description. You can check them out. आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे.